लेटेस्ट न्यूज और वीडियोस बस एक ही क्लिक में, तुरंत डाउनलोड करें लहरे ऐप। आपका नाम लेकर काफी बुरा वाला उन्हें उन्होंने तो अपने प्रशंसकों से माँ बहन की गाली तक सुनवाई। वो महान है, उनको मेरा आशीर्वाद है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं ये कहता हूँ कि आज के टाइम में अगर कोई अपने आप को भोजपुरी का भगवान समझता है, भोजपुरी का टावर समझता है, भोजपुरी का ब्रह्मा विष्णु महेश समझता है, तो भोजपुरी में जो गंदगी आई है इसका जिम्मेवार कौन? भोजपुरी से जो पारिवारिक दर्शक विदा हो गए इसका जिम्मेवार कौन? भोजपुरी की एक भी फिल्म नेशनल अवार्ड तक नहीं पहुंची इसका जिम्मेवार कौन? और भोजपुरी में जो प्रोड्यूसर मर रहे हैं इसका जिम्मेवार कौन? और मैंने क्या गलत कह दिया? आज बाजार बना है तो हम या आप या कोई भी हवाई जहाज से घूम रहा है, नहीं तो मेरे आँख का देखा हुआ है कि इन स्टारों से बड़े बड़े गायक साइकिल पे पैदा हुए, साइकिल पे हारमोनियम बांधे, कीर्तन गाए, भजन गाए, नाच गाए और समाप्त हो गए, क्योंकि बाजार उनको नहीं मिला, उनको सही समय नहीं मिला, उनको सही व्यवस्था नहीं मिली इसके चलते। और नहीं तो इससे बड़े बड़े लोग, अब बताइए ना, मैंने ये बात कही, अगला आदमी जो है भिखारी ठाकुर तक पहुंच गया, उसको मालूम ही नहीं कि आज तक भिखारी ठाकुर जी का जो समारोह मनाया जाता है वो जब मैं मिनिस्टर था तब मेरा कराया हुआ है। जा करके भिखारी ठाकुर जी के परिवार से पूछना चाहिए कि जो आदमी बोलता है भिखारी ठाकुर जी के बारे में, एक बार भी भिखारी ठाकुर जी के प्रोग्राम में गया है? एक बार भी? भिखारी ठाकुर जी के बारे में बोलने का हक सिर्फ एक आदमी को है, महिला में कल्पना और पुरुष में भरत शर्मा, बाकी किसी को बोलने का मौलिक अधिकार नहीं है। जब आप उनके घर नहीं जाते, उनके महोत्सव में नहीं जाते, तो उनका नाम बेच करके कमाई क्यों कर रहे हैं, इमोशन क्यों बटोर रहे हैं? और इतना ही आपको बोलने का दम है तो 1-to-1 मेरे सामने बैठ के बात करिए। वो बोलते बिना बिहारी पैसा खा गए, 10 कन्याओं की शादी का, गरीब कन्याओं की शादी की बात है। और मैंने खेसारी जी से बात किया इसके पहले उस मंच पे, सबसे पहले तो हमारे यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो लुधियाना काम करते हैं और अपने मेहनत की कमाई से गरीब कन्याओं की सामूहिक शादी करते हैं। मैंने खेसारी जी से कहा कि पिछले साल रितेश पांडे जी गए थे, रात भर प्रोग्राम हुआ, जय जय हुआ। रितेश पांडे ने कभी कहा कि उनको पैसा नहीं मिला? आज गंगा जी में डूब करके माघ महीने में कोई बोले कि खेसारी लाल जी फ्री में प्रोग्राम करते थे, मानने की बात नहीं, फ्री में प्रोग्राम, वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे पैसा हो सकता दे दीजिएगा, 4 लाख रुपए आप ले चुके हैं, ये क्यों नहीं बोलते? हम बोले उनको कि आप कितना पैसा लेंगे, बोले 5 लाख। हम कहने चंदा का पैसा है, ये कमीशन का और अफीम और चरस का पैसा नहीं है, चंदा का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, गरीब की बेटी की शादी होती है ना। आ तो काजोल को भी ले जाना पड़ेगा, काजल जाएगी साथ में। हम कहेंगे काजल गाती है, काजल गायिका है जो जाएगी, आप जाइएगा तो 5-10 गीत गई है, काजल जाएगी तो क्या गाएगी? अब काजल को ले जाने के लिए 1 लाख रुपये पे करना पड़ेगा, तो हाँ 1 लाख रुपये तो ओकरा के देवे के पड़ी हमरा, हमको तो मत ले जाइए, और ना तो फिर ओकरा के लेके जाए के हमारा दुबई, तो दुबई तो बम्बई से फ्लाइट नहीं जाती है, अब हमारा यहाँ जाए, हमारा यहाँ से हम तरह लखनऊ भेजब, फिर लखनऊ से फ्लाइट जाए दिल्ली, फिर दिल्ली से जाए दुबई, क्या जरूरत बा? 1 लाख रुपया उनका बकाया हुआ, गिन के 3 गीत गाए, सारा टेप है। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि रात भर बिना बिहारी गवाओ ला, इतना लबरा आदमी है, हैं? बोलता है रात भर गो। 3 गीत के बाद वहां मारा मारी हो गया, ईटा पत्थर चलने लगा, मेरे गांव का एक आदमी मर गया और दो गो आदमी जिंदगी भर का अपाहिज हो गया। पवन सिंह का प्रोग्राम कराए कोई नहीं मरा, भरत शर्मा जी का प्रोग्राम कराए कोई नहीं मरा, देवी जी का प्रोग्राम कराए कोई नहीं मरा, रितेश पांडे का प्रोग्राम कराए कोई नहीं मरा, ये ऐसा अनलक्की आदमी मर गया, गया हमारे यहाँ तो एक आदमी मर गया, दुगा पाइजो हो गया है ना। इन लोगों को बचाने के लिए कि हमारे कलाकार को ईटा पत्थर ना लगे, हमने इनको भगाया और 1 घंटा के बाद प्रोग्राम का माहौल कुरुक्षेत्र में बदल गया, हजारों कुर्सियाँ टूट गई, 400-500 कुर्सी दर्शक चुरा के लेके चले गए अपने घर। अब वहाँ पैसा देगा कोई? जान बचाएगा कि पैसा देगा? अब 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया 10 दिन के बाद कर्जकर्ताओं लोग जो हमको दिए,
कि खेसारी जी अगर मानेंगे, क्योंकि काजल का तो इंटरव्यू नहीं हुआ, तो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो 1,00,000 रुपया उनको दे दीजिए। ये कब की बात है, ये कब का बात है? ये 7-8 महीने के पहले की बात है। उसके बाद एक मिनट, बीच बीच में आप लोग भी कमांडो छोड़ के कहीं और पड़ गए? हाँ पड़ गए लोग, देखे कुछ देर बता देते हैं। उसके बाद हम तो लग गए, जो मर गया उसके चक्कर में, जो बर्बाद हो गया उसके चक्कर में, फिर भी इनको अपने एक बच्चे के साथ गाड़ी से लखनऊ भिजवाए। उसके बाद से खेसारी जी से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है कि मैं उनसे बात करूं कि भाई आप कुछ पैसा छोड़ेंगे या अपना 1,00,000 लेंगे। अगर वो कहेंगे 1,00,000 लेंगे तो 1,00,000 देने से हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कर्जकर्ताओं ने दे दिया, हमारे गाँव के लोगों ने दे दिया है पैसा, क्योंकि उनको अगर ये कहते कि हम 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे तो मैं 1,00,000 रुपये खाते में डाल देता, चाहे किसी के थ्रू भिजवा देता। मैं सोचा कि उनसे मिलूँगा, बहुत समाज की बात करते हैं, कंबल बांटते हैं तो ये बांटते हैं तो वो करेंगे तो ये करेंगे, ये तो हमारे बेटा का शादी में थोड़े गए थे, गरीब कन्याओं की शादी में गए थे। बात बड़ी 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 करने से, एंडे उठाने से आसमान छुआएगा, बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता। आप कहाँ कहे कि गरीब कन्याओं की शादी है भैया, आपके हम फ्री में कर देते हैं। अभी कैसा दांत चियार चियार के बोलते हैं कैमरा के सामने कि पैसा दे दीजिएगा। अरे यो बताइए ना मर्द ऐसा कि कितना ले लिया और कितना बकाया है, हैं? और आपसे हमारी मुलाकात हुई क्या? हम आपको नहीं देंगे तब ना, 1,00,000 रुपये के लिए हम कमज़ोर थोड़े हैं। आप छोड़ देंगे तो उतना पैसा, क्योंकि हर साल गरीब बच्चियों की शादी होती है तो उतना पैसा उधर चल जाएगा, नहीं छोड़ेंगे तो आप 1,00,000 रुपये लीजिए। और अब 1,00,000 रुपये मैं जैसे वो आ जाते हैं, मैं जाल फिल्म की शूटिंग में गया हूँ, जैसे आ जाते हैं मिल के दूंगा, उनका पाँव छूँगा, क्योंकि मेरा कहने का कोई मकसद ये नहीं था कि मैं किसी का दिल दुखाऊँ। और आपको ये बात बताता हूँ, जब से खेसारी लाल आए हैं तब से इंडस्ट्री में इस तरह का बवाल होता है, इसके पहले कभी होता था क्या? नहीं होता था। हमारे यहाँ भी खेसारी लाल गए तो दूगो को मुँह दिए ना, हम अपने उनको न ले जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, कलाकारों के बदौलत विधायक हुए, आज तक हमारे चुनाव में कभी गए हैं क्या? हम उनको ले गए हैं क्या, उनको बुलाए हैं क्या? हमारे चुनाव में नहीं गए, हमारे चुनाव में कल्पना जी गई हैं, हमारे चुनाव में पवन जी गए हैं, हमारे चुनाव में मनोज तिवारी जी गए हैं, बाकी चौथा नहीं गया है। चौथा गया है तो राकेश मिश्रा जी गए हैं, है ना, आज हीरो हो गए, पहले हमारे गोदी में बैठते थे, वो भी हमारा लड़का है, वो गया है, जो गया है उसका नाम लेंगे। आपका हमारे जीत में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सहयोग है? आप अपने 400-500 फेक आईडी रखे हैं और हमारी माँ बहन का गाली सुनवा रहे हैं, आपको अच्छा होगा? मैं संत आदमी हूँ, मैं बद्दुआ देता हूँ, इमोशनली बद्दुआ देता हूँ कि झूठ मत बोलिए कैमरे के सामने। आपका पैसा मैंने रखा तो कितना रखा ये बोलिए, नहीं तो लोग ये समझते हैं मेरे पास हजारों फोन आए, क्या भैया ओसान का लीचड़ आदमी का पैसा कहा रख लेनी हो? हम कहने के नहीं, कलाकार है उसका पैसा हम थोड़े रखे हैं, वो उसको बोलना चाहिए ना कि हमने इतना तय किया, इतना लिया, इतना बाकी। आप लेके गए हीरोइन को अपने सुख सुविधा के हिसाब से, उनकी एंट्री नहीं हुई, मैं 1,00,000 रुपया रोक के रखा, एक आदमी मर गया, दो आदमी अपाहिज हो गया, बैठिए आप 1,00,000 लेना, मैं 1,00,000 में 1 रुपया भी कम दूँ तब ना। और इस बात को अब माइक पे बोलना, इतना दिन आपको नहीं बोलना गया, आज 7-8 महीना हुआ आप बोलते कि विनय बिहारी मेरा पैसा रख लिए, चाहे ये बोलते कि विनय बिहारी मेरा 1,00,000 रुपये रखे हैं। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि विनय बिहारी के घर गए थाली में खाए, मैं अश्लील नहीं था क्या उस समय? हैं, सब चीज़ होता है, एक कलाकार जो है उसके पास सब गाने होते हैं, अच्छे गाने भी होते हैं, बुरे गाने भी होते हैं, माहौल देख के कलाकार गाते हैं। आज होली के दिन लोग अबीर खेलता है, दिवाली के दिन दिया जलाता है, जाड़े में कोट पहनता है, गर्मी में गंजी पहन के घूमता है। हमारी आपकी डिमांड थी, हमने आपको अपने यहाँ ले गए, हम आपके यहाँ, आप हमारे यहाँ गए, हम इज्जत के साथ आपको बचाए, वहाँ का माहौल गड़बड़ हो गया। आपका दोष नहीं भी हो चाहे हो भी, सोशलाइजेशन की बात करेंगे, आप सामाजिक बात करेंगे तो आप ये भी बताइए लोगों को कि गरीब कन्याओं की बेटी की शादी में गए थे और आपने 4,00,000 ले लिया है, ये बोलना चाहिए ना आपको? आप कोई फ्री में थोड़े गए हैं और दांत चियार चियार के बोल रहे हैं।
ये पैसा हो सके तो दे दीजिएगा, आपको उतना पैसा रखना तो टाटा बिरला डालमिया हो जाएंगे। अब छोड़िए, जाने दीजिए, बदुआओं से बच के कहाँ जाइएगा और जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा। आइए कमांडो में लौटिए। थैंक यू सर।